2024 मैं संकट प्रबंधन जिला संवाददाता बालोर आज विश्वकर्मा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस पावन पर्व पर करकावाड़ के शक्कर कारखाने जहां पर पहुंचे हैं और वहां पर हम यहां के जो पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से यहां पर विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। तो हम यहां के जो पदाधिकारी उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, पब्लिक लाइफ निर्देशन में। नमस्कार जी, मैं इस सहकारी शक्कर कारखाना करकावाड़ बालोद जी में प्रतिवर्ष की भांति विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं जी, और इस वर्ष भी मनाने जा रहे हैं जी। और इस बार विश्वकर्मा समिति के मैं अध्यक्ष हूँ और कार्यक्रम ऐसा है कि अभी पूजा अर्चना हो रहा है, उसके बाद अतिथियों का स्वागत किया जाएगा और उसके बाद हमारा एक छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम है, उसका 12 बजे शुभारम्भ किया जाएगा और प्रसाद वितरण और आगंतुक हमारे किसान भाई और आम नागरिकों के लिए खीर पूरी जी और हलवा का व्यवस्था प्रसादी वितरण किया जाएगा जी। औद्योगिक क्षेत्र के लिए विश्वकर्मा पूजा किस तरह का मायने रखते हैं सर आप लोगों के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए? औद्योगिक क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ रोजगार का सृजन होता है, रॉ मटेरियल से किसानों को फायदा होता है, गन्ना का विस्तार होता है तो यहाँ लोगों को रोजगार मिलता है और इसके साथ साथ किसानों को भी फायदा होता है जी। जो प्रधानमंत्री ने जो विश्वकर्मा योजना लागू की है उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? विश्वकर्मा योजना बहुत ही अच्छा योजना है, इससे उनको सीखने का अवसर मिलता है, आगे उनके लिए बहुत प्रावधान है, तो सीख के अपना वो एक रोजगार का सृजन कर सकते हैं और अपना जीवन यापन करके दूसरों को भी रोजगार देंगे। ये विश्वकर्मा योजना बहुत ही बढ़िया योजना है। आज के इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का अतिथि आप लोगों द्वारा मतलब बुलाया गया है? आज के अतिथि हमारे किसान भाई सभी लोग अतिथि हैं, ऐसा विशेष कोई अतिथि नहीं है, सब किसान भाई का आज स्वागत है। हमारे जितने भी किसान भाई सब हमारे अतिथि हैं और आम नागरिक भी हमारे अतिथि हैं जी। विश्वकर्मा पूजा आज किया जा रहा है, उसका मतलब विसर्जन कब किया जाएगा सर? आज मूर्ति स्थापना है, पूजा है, कल विसर्जन किया जाएगा जी। हमारे बीच और अतिथि मौजूद है इस जो सरकारी शक्कर कारखाने के, उनसे भी हम बात करते हैं कि आप बात रखते हैं इस विश्वकर्मा पूजा में। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम भगत राम राणा है जी और मैं दंतेश्वरी सरकारी शक्कर कारखाना का कर्मचारी हूँ जी। और आज विश्वकर्मा दिवस है, जयंती है और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं विश्वकर्मा जयंती के पावन पर्व पे जी। और ये हर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे कारखाना में मनाया जा रहा है विश्वकर्मा जयंती और इसमें हमारे किसान भाई बड़ा स्वागत कांसी होते हैं, इसमें हमारे मेहमान होते हैं और हमारे जितने भी यहाँ श्रमिक भाई हैं, दैनिक कर्मचारी से लेकर हमारे कर्मचारी अधिकारी सब हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को हम मनाते प्रतिवर्ष की भांति मनाते प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं जी। इस वर्ष हमारे कारखाना में हमारे ग्राम बरही के माया के बन्ना का कार्यक्रम भी रखा गया है जी। ये अपना मूर्ति स्थापना के बाद जी। और उसके बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया है जी। और 18 सितंबर को मैंने कल जी यहाँ ये अपना भगवान विश्वकर्मा का विसर्जन किया जाना है जी। हवन के बाद विसर्जन के लिए हम सब कर्मचारी और श्रमिक भाई विसर्जन के लिए हम ग्राम करकाभांट के तालाब में जाकर विसर्जन भगवान विश्वकर्मा का करेंगे जी। विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व क्या है सर, जो हम इंडस्ट्री के लिए देखते हैं जो हम कर्मकार हैं उनके लिए विश्वकर्मा पूजा किस तरह का मायने रखता है? औद्योगिक क्षेत्र में विश्वकर्मा पूजा का महत्व बहुत ज्यादा ही उनका महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो रोजगार काम मजदूर वगैरह जो काम करते हैं, जो लोहा वगैरह में रखते हैं, तो इसके लिए भगवान विश्वकर्मा पूजा अनिवार्य रूप से करना चाहिए, जो कि 17 सितंबर को मनाया जाता है और 18 सितंबर को उनका विसर्जन करते हैं जी। अरे जो छत्तीसगढ़ जो जिला वाला में शक्कर कारखाना है उसका दिनों दिन जो विकास हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? निरंतर प्रशासनिक स्तर से इनका प्रयास किया जा रहा है और रॉ मटेरियल का जो है उसका बढ़ाया जा रहा है ऊपर। अभी इस कारखाना में कौन से कार्य अभी संचालित है सर, जो आने वाला जो सीजन है उसकी तैयारी के लिए किस प्रकार से भी कार्य गति प्रदान पर है? कार्य तो बहुत गति प्रदान पर है, जिनके लिए प्रशासनिक अधिकारी और हमारे मैनेजमेंट जो है भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि और भी इनका यूनिट बनाया जाए और सभी को रोजगार मिलना चाहिए, इस प्रकार का किया जा रहा है। अभी जो कारखाना में मेंटेनेंस का कार्य हो रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर?
बहुत तेज गति से जो मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है और समय अवधि में फिर से पुनः चालू हो जाएगा कारखाना। कितने लोग इस कार्य में अभी मौजूद है, मतलब लगे हुए हैं मेंटेनेंस के कार्य में? मेंटेनेंस में कार्य में कम से कम 400 लोग मजदूर और कर्मचारी मिला के। डे और नाइट चल रहा है या काम की सिर्फ डे में हो रहा है? अभी वर्तमान में तो सिर्फ डे में हो रहा है, उसके बाद जैसे क्रशिंग सीजन प्रारंभ होता है उस पर सब अपना अपने शिफ्ट लग जाते हैं। कारखाना की तरफ से किसान जो गन्ना का उत्पादन करते हैं उसके लिए किसी प्रकार को उसको प्रोत्साहन किया जाता है, किस प्रकार से उन लोगों को मतलब प्रोत्साहित किया जाता है कि गन्ने की खेती आप करो ऐसे करके? गन्ने की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें हमारे डीएम साहब का भी अहम योगदान है और साथ में किसानों को जो हमारे शक्कर का जो रिकवरी मिलता है उनका जो है उनका फायदा मिलता है उनको। यहाँ पर जो कारखाने के लिए जो विकास समिति बनाया गया है जो हम लोगों का, उसका किस प्रकार से आप लोगों को सहायता मिलता है इस इंडस्ट्रियल को? उनको सहायता तो मिलता ही है, बातचीत के विभाग से बैठ के अपने समिति के जो भी विचार विमर्श करते हैं उसके होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो शक्कर कारखाना करकाभाट में हैं तो उन्होंने यह बताया कि विश्वकर्मा पूजा इंडस्ट्रियल के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कर्मकार जो कला का हम हाथों से अपना जो निर्माण करते हैं तो एक भगवान विश्वकर्मा जी की आशीर्वाद से ही हम यहाँ पर जितने कार्य होते हैं चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो वो सफल माने जाते हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार से आज विश्वकर्मा जयंती पर यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा जी को बिठाया गया और यहाँ पर पूजन पाठन हो रहा है, और साथ ही यहाँ पर करकाभाट की जो सरकारी शक्कर कारखाना है उसके बारे में भी बताया कि यहाँ पर अभी वर्तमान में मेंटेनेंस कार्य बहुत तेजी से हो रहा है आने वाले सीजन के लिए। तो बने रहो पब्लिक लाइफ बिजनेस न्यूज 24 जिला संवाददाता हेमशंकर सोमानी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। तो आज विश्वकर्मा पूजा के पावन पर्व पर हम दंतेश्वरी शक्कर कारखाना जिला बालोद छत्तीसगढ़ करकाभाट के यहाँ एमडी सर से बात करते हैं कि आपकी इस कार्यक्रम के आयोजन पर अपना जो विचार विमर्श किस प्रकार रखते हैं, हम आइए चलते हैं। नमस्कार सर, पब्लिक लाइफ बिजनेस न्यूज 24 में नमस्कार है। सर, आज जो विश्वकर्मा पूजा हो रहा है आपके औद्योगिक क्षेत्र शक्कर कारखाना दंतेश्वरी जो करकाभाट पर जिला बालोद में स्थित है उसके बारे में आपका क्या विचार है और क्या कहना है सर? प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाया जाता है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा जयंती को शिल्पकार भगवान और जितने भी औद्योगिक मशीनी का भगवान माना जाता है, इसीलिए हमारे सभी कर्मचारी बड़े उस आराध्य देव के रूप में पूजा करते हैं और उनकी आशीर्वाद से जो पूरे कारखाना संचालन की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, इसीलिए प्रतिवर्ष भांति कर्मचारी सभी हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और क्या क्या विशेष तौर पर यहाँ पर तैयारी किया गया है सर विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर जो आम जनता के लिए भी? विशेष रूप में तो पूजा का आयोजन किया गया है, पूजा सबसे पहले पूजा है और पूजा के बाद प्रसाद वितरण है, और चूंकि इस दिन बहुत सारे आगंतुक या आम पब्लिक सभी के लिए औद्योगिक दरबार खुला रहता है, इसीलिए सभी कर्मचारी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किए हैं ताकि यहाँ जो आए उनको सिर्फ उद्योग घूमने के अलावा उनको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद मिले, इसी कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। साथ ही हम यह जानने का चाहते हैं सर कि जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो दंतेश्वरी शक्कर कारखाना है यहाँ पर मेंटेनेंस का कार्य अभी बहुत जोरों में चल रहा है, उसका क्या प्रगति है सर? अभी मेंटेनेंस का कार्य में निरंतर चल रहा है, लगभग 70% मरम्मत का काम कंप्लीट हो चुका है, हमको दिसंबर के प्रथम सप्ताह से कारखाना पिराई सत्र प्रारंभ करना है, इसके हिसाब से सभी कर्मचारी अभी तैयारी में लगे हुए हैं, 70% कम्प्लीट हो चुका है, शेष तैयारियां भी एक आध महीने में पूरा कम्प्लीट कर लेंगे जी। साथ ही यहाँ पर जो मजदूर कार्य करते हैं सर वो बता रहे थे कि यहाँ पर जो बीमा की और जो घायल हो जाते हैं जो कार्य करने रहते हैं उसके प्रति आपका क्या विचार है सर? जो उन लोग बता रहे थे कि बीमा की सुविधा यहाँ पर प्रदान नहीं की है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो राज्य कर्मचारी बीमा जो रहता है ESIC बोलते हैं, ESIC यहाँ क्योंकि अर्ध कवरेज एरिया है बालोद जिला, इस कारण ये क्षेत्र में लागू नहीं है, इस कारण अभी ESIC का सुविधा उनको नहीं दे पा रहे हैं, जैसे ESIC का पूर्ण कवरेज एरिया आ जाएगा उसके बाद हम कर्मचारियों को ESIC की सुविधा दे पाएंगे। किसानों को गन्ना की खेती करने के लिए आपके जो औद्योगिक क्षेत्र दंतेश्वरी शक्कर कारखाना करकाभाट जिला बालोद की ओर से किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा रहा है गन्ने की खेती करने के लिए? गन्ना की खेती के लिए सबसे पहले तो किसानों को जो चिन्हित किसान है जो गन्ना खेती के लिए तैयार होते हैं उनको बीज की सुविधाएं दी जा रही है, और बीज जितने भी एरिया में लगाते हैं उनको बीज की सुविधाएं दी जा रही है, और इसके अलावा अभी जिला प्रशासन द्वारा उनको कृषि उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है जो एकदम न्यूनतम दर पर जो किसान
ट्रैक्टर के या ट्रैक्टर मालिक के पास कृषि उपकरण नहीं होता, वो सभी कृषि उपकरण जिला प्रशासन द्वारा भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जो किसान के वो खेती करने में या खेती को तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दवाई के छिड़काव विड़काव में भी स्प्रेयर उपलब्ध कराया गया है, जो किसानों को एक सहूलियत होगा। इस दृष्टि से पहले बीज उपलब्ध करा रहे हैं, इसके बाद सभी प्रकार की कृषि उपकरण उनको न्यूनतम दर पर कृषि सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, कृषि उपकरण सुविधा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर हमें जानकारी प्रदान किया है। तो बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज नेशन 24, जो यहाँ के MD साहब ने उन्हें जानकारी दिया है, और यहाँ जो मजदूर शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर बीमा सुरक्षा